ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मेरे साथ है नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर के लोकप्रिय विधायक गुलाब चंद कटारिया, जिनसे हम लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं। कटारिया जी, आज मोदी जी की सभा हुई है, किस तरह मानते हैं उदयपुर और पूरे मेवाड़ वागड़ में इसका फायदा होगा? क्या है कि मोदी जी की आज की सभा में जो रिस्पॉन्स पब्लिक का था, वो रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा और दमदार था। इसके पहले भी हम हमेशा मीटिंग करते रहे, लेकिन उस मीटिंग में पब्लिक से इतना रिस्पॉन्स कभी नहीं उठता था। तो मैं सोचता हूँ कि पब्लिक का सीधा जुड़ाव, प्रधानमंत्री से आमना सामना होना, ये इस बात का इंडिकेशन है कि टेम्पो अच्छा है। और उस दृष्टि से जितने लोग आए हैं, वो सारे के सारे हमने बिल्कुल रजिस्टर्ड किए हैं, हमने सारे का उनका हिसाब रखा है। तो मैं सोचता हूँ कि सारे पोलिंग स्टेशन टच हुए हैं, ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बड़ी गाड़ियाँ जरूर नहीं मिलने के कारण से कम रही, छोटी गाड़ियों से ही लोग को आना पड़ा, शादी का समय था और आज लगन भी बहुत अधिक है। पर जो हमने सोचा था 50,000 के लगभग, वो 50,000 हो गए। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर यह खेद जताया है कि मैंने चौकीदार चोर है ये आवेश में आकर कह दिया था, उन्होंने माफ़ी मांगी है। मैं सोचता हूँ आवेश में आकर के अगर एक प्रधानमंत्री बनने वाला कैंडिडेट अगर इस प्रकार का बयान दे, तो फिर देश का क्या होगा? देश भी ऐसे ही माफ़ी मांगते ही रहेगा। कोई सामान्य बात है कोई मुझे चोर कह दे और फिर ये कहे कि मैंने आवेश में कह दिया, और रोज़ नारे लगवाता रहे हर मीटिंग में, पहले वो बोलता है चौकीदार, फिर उधर से रिस्पॉन्स करते हैं चोर है, इससे बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है यार। कटारिया जी, आप इस क्षेत्र के लंबे तजुर्बा है सियासत का, एक बीटीपी पार्टी भी खड़ी हो चुकी है, अचानक पार्टी खड़ी होती है, दो विधायक जीतते हैं। मेरे हिसाब से जितना बीटीपी का उठाव पिछली बार था, क्योंकि वो अचानक खड़ी हुई, उतना उठाव आप भी फील्ड में नहीं दिख रहा है। का मतलब ये है कि कोई बहुत अधिक प्रभावी होगा ऐसा नहीं। फिर उनका कांग्रेस के साथ जाके मिल जाना, उनके लोगों के बीच में ही उनका प्रति असंतोष पैदा कर दिया। राजस्थान में हर जगह घूम रहे हैं, मोदी लहर तेज तो नहीं लेकिन बरकरार है, लोग अभी भी उम्मीदवार से नाराजगी है भाजपा के, लेकिन क्या हमें तो वोट मोदी को देना है। पार्टी ने देश, ये जो चुनाव है ये देश के कुछ नीतिगत निर्णय लेने के वाला चुनाव है, ये वो कोई सड़क नाली का चुनाव नहीं। इससे संपूर्ण देश के सब प्रकार की आर्थिक नीतियों के बारे में भी, सामरिक नीतियों के बारे में, विदेश नीति के बारे में, देश के विकास के बारे में जो निर्णय होता है, वो सारा का सारा, और मोदी जैसे एक मजबूत प्रधानमंत्री के 5 साल रहने के बाद लोगों को यह एहसास होने लगा कि वास्तव में प्रधानमंत्री क्या होता है और प्रधानमंत्री क्या कर सकता है। यह पहली बार के राज में अनुभव हुआ कि अगर चाहे प्रधानमंत्री तो देश की कायाकल्प कर सकता है, और इसके कारण से मोदी के पक्ष में लहर बन रही है। लोकसभा चुनाव में अच्छा माहौल है भाजपा के पक्ष में, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह किरोड़ी मीणा कह रहे हैं कि हम चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को फेस घोषित किया गया, राजस्थान से मोदी तुझसे बैन नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं जैसे नारे लगे, मैं सोचता हूँ उस समय जो आपका सारा मीडिया से लेकर के ये जो अपने क्या सट्टा बाजार से लेकर के सब 40-35 बता रहे थे, 73 तक आए हैं, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो हुआ है ना। 40 से 73 आ जाना कोई सामान्य इम्प्रूवमेंट नहीं है, और कुछ सीटें गई भी है तो बहुत छोटे मार्जिन पे गई है, तो 85 के लगभग सीटें बनती है, तो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह रहा। 1,42,000 वोट कम मिला कांग्रेस से, 1,42,000 ज़्यादा मिला, तो इसका मतलब ये कि कोई बहुत ज़्यादा हार नहीं है वोटों की गिनती के हिसाब से देखें तो। वो अब की बात मेवाड़ ने लाज रख ली क्योंकि भाजपा की सीटें ज़्यादा है। तो क्या है कि 28 में तो 15 हम जीते हैं, कांग्रेस 10 जीती है केवल, तो एक तरह से कांग्रेस से डबल स्थिति में हम हैं, तो दोनों लोकसभा हमारी जीतेंगे, और ये तीसरी लोकसभा भी राजसमंद की भी, जिसका आधा हमारे पास है आधा उनके पास है, और भीलवाड़ा ये चित्तौड़, ये चारों में से चारों हम जीतेंगे। अंचल की तमाम जो सीटें हैं उन पर एक बार फिर कमल खिलेगा, ये है गुलाब चंद कटारिया का दावा। कैमरा पर्सन विनय यादव के साथ दिनेश डांगी, पॉलिटॉक्स न्यूज, उदयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।